नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नॉर्मल व्हाट्सअप को बिजनेस व्हाट्सअप में कैसे ट्रांसफर करें। बहुत सारे लोग नॉर्मल व्हाट्सअप यूज़ करते हैं और चाहते हैं व्हाट्सअप बिजनेस में ट्रांसफर होना। ट्रांसफर होना मतलब चैट लेके, वीडियो लेके और कुछ मीडिया फाइल्स लेके डायरेक्ट उधर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कोई भी फाइल डिलीट ना हो। तो आप लोगों को एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप यूज़ करके अपने नॉर्मल व्हाट्सअप को बिजनेस व्हाट्सअप में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तब समझ में आएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि आप अपने नॉर्मल व्हाट्सअप को व्हाट्सअप बिजनेस में ट्रांसफ़र करेंगे, आपका जो भी चैट वगैरह होगा, जो भी डेटा वगैरह होगा, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल्स होगा, सारा आपका व्हाट्सअप बिजनेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा बड़ी आसानी से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना नॉर्मल व्हाट्सएप, जो भी व्हाट्सएप आप यूज करते हैं अभी, उस व्हाट्सएप को आप यहां पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पे सिंपली क्या करना, आपको यहां पे दो सेटिंग्स को यहां पे आपको ऑन करना होगा। सबसे पहले यहां पे आपको ऊपर साइड देखने को मिलेगा थ्री डॉट, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस थ्री डॉट में क्लिक करेंगे। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहां पे आपको नीचे देखने को मिलेगा सेटिंग्स, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा चैट्स, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस चैट सेक्शन में आपको यहां पे इस जगह क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना। जैसे आप यहां पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा चैट बैकअप, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस चैट बैकअप में क्लिक करेंगे। चैट बैकअप में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको बैकअप में क्लिक नहीं करना, उससे पहले आपको यहां पे सिंपली दो सेटिंग्स को यहां पे आपको ऑन करना है। सबसे पहले यहां पे आपको नीचे देखने को मिलेगा बैकअप टू गूगल ड्राइव, बस क्या करेंगे सिंपली आपको बैकअप टू गूगल ड्राइव में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको चूज कर लेना है डेली। यहां पे आपको क्या करना है सिंपली आपको थर्ड नंबर में आपको देखने को मिलेगा डेली, बस क्या करेंगे इस डेली में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद यहां पे आपको नीचे देखने को मिलेगा गूगल अकाउंट, बस क्या करेंगे सिंपली आपको इस गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे अपना क्या करेंगे जीमेल अकाउंट यहां पे आपको फिल अप करना होगा। यानी आपको अपना क्या करेंगे, आप यहां अपना गूगल ड्राइव यानी जो भी जीमेल अकाउंट होगा अपना, इस जीमेल अकाउंट को यहां पे क्लिक करेंगे। जो भी जीमेल अकाउंट पे आपका गूगल ड्राइव होगा सिंपली उसमें क्लिक करेंगे। तो यहां पे मेरा देख सकते हैं, मेरा ऑलरेडी पहले से यहां पे क्लिक है। क्लिक करने के बाद क्या करना, आपको कैंसिल पे क्लिक कर देना। सारा कुछ यहां पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे ऊपर देखने को मिलेगा बैकअप, बस क्या करेंगे सिंपली आपको अपना इस बैकअप पे क्लिक करना। जैसे बैकअप में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आपको देखेंगे जो कि आपका जितना भी चैट वगैरह होगा, जितना भी मैसेज डेटा वगैरह डॉक्यूमेंट फाइल सारा कुछ यहां पे आपका अपडेट यहां पे होते जाएगा। देखें अपलोडिंग हो रहा है, यहां पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने का इस यहां पे जितना भी आपका डेटा वगैरह होगा सारा कुछ यहां पे आपका बैकअप ले लेगा। बैकअप लेने के बाद क्या करना सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आ जाना। नीचे आने का अगर आप यहाँ पे वीडियोस को भी बैकअप लेना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप में जो भी वीडियोस वगैरह है उस वीडियो को आप क्या करना चाहते हैं अपने बिजनेस व्हाट्सएप में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा इंक्लूड वीडियोज, बस क्या करें आपको इंक्लूड वीडियोज इस जगह आप यहाँ पे ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद तब आपको यहाँ पे क्या करना, बैकअप में क्लिक करना। अगर आप वीडियोज भी लेना चाहते हैं अपने नॉर्मल व्हाट्सएप से, अपना बिजनेस व्हाट्सएप में अपना वीडियोज को भी लेना चाहते हो, तो सिंपली आपको इस सेटिंग को भी ऑन करके तब आप यहाँ पे बैकअप लेंगे। यहाँ पे देखेंगे मैं बैकअप में फिर से क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है। पे आपका जितना भी केबी या एमबी का होगा तो हमें लेट लगेगा, तो यहां लगभग मेरा जो केबी का है पे बैकअप है, यहां पे देखेंगे मेरा जो है लगभग 483 केबी का था। यहां पे बैकअप लेने के बाद क्या करना सिंपली आपको यहां पे बैक आ जाना है। बैकअप लेने के बाद गाइस यहां पे देख सकते हैं इतना सारा मैसेज है, इस मैसेज को मैं आपको यहां पे बिजनेस व्हाट्सएप में आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। तो यहां पे आप बैकअप लेने के बाद क्या करना सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना सिंपली गाइस आपको जो नॉर्मल व्हाट्सएप है इसको क्या करेंगे आप अनइंस्टॉल कर देंगे। तो चलिए मैं इसको यहां से अनइंस्टॉल कर देता हूं। सिंपली इस अनइंस्टॉल करने के बाद क्या करना, अपना प्ले स्टोर ओपन करना। प्ले स्टोर ओपन करने बाद अपना सिंपली आपको यहां पे लिखना है बिजनेस व्हाट्सएप लिख के सर्च करना। जैसे यहां पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद गाइस यहां पे देखेंगे जो व्हाट्सएप बिजनेस है इसको मैं यहां पे इंस्टॉल कर लेता हूं। यहां पे आप देखेंगे व्हाट्सएप बिजनेस, इसको मैं यहां पे इंस्टॉल कर लेता हूं, आपको यहां पे लाइव करके दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं यहां पे इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं यहां पे कुछ सेकंड वेट कर लेता हूं। व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करने के बाद क्या करना, सिंपली आपको अपना व्हाट्सएप बिजनेस यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एग्री एंड कंटिन्यू, बस क्या करेंगे सिंपली आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करना सिंपली अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करेंगे, जो भी आप नॉर्मल व्हाट्सएप में अपना मोबाइल नंबर दिए होंगे वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको सही सही फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सही सही फिलअप करने के
बाद उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा नेक्स्ट। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा। उसके बाद क्या करना आपको, सिंपली आपको यहाँ पे नीचे देखने मिलेगा कंटिन्यू। बस क्या करना आपको, सिंपली इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं होगा तो आपके नंबर पर जो भी OTP आएगा उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना OTP को फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना OTP को फिलअप करने बाद यहाँ पे आपका अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे वेरीफिकेशन कंप्लीट। कंप्लीट करने बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद क्या करना गाइस, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कंटिन्यू। बस क्या करना आपको, सिंपली इस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने बाद आपके सामने यहाँ पे देखने मिलेगा अलाउ का एक ऑप्शन। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद फिर से आपको दोबारा अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ऊपर लुकिंग फॉर बैकअप्स, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इस तरह से इंटरफेस। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपका जो भी गूगल ड्राइव में यानी गूगल ईमेल दिए होंगे उस ईमेल आईडी यहां पे आपको सिंपली देखने को मिलेगा। यहां पे आप चेक कर लेंगे जो भी आप ईमेल आईडी वहां पे नॉर्मल व्हाट्सएप में बैकअप के लिए दिए होंगे उस ईमेल आईडी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना, सिंपली आपको यहां पे देखने को मिलेगा री स्टोर। यहां पे आपको स्किप पे क्लिक नहीं करना, यहां पे आपको देखने को मिलेगा री स्टोर। बस क्या करेंगे, सिंपली आपको इस री स्टोर में क्लिक करेंगे। री स्टोर में क्लिक करने के बाद यहां पे आप देखेंगे जो कि मेरा बैकअप लेना यहां पे स्टार्ट हो चुका है। प्रिपेयरिंग टू री स्टोर मैसेज, यानी आपका जो भी नॉर्मल व्हाट्सएप का मैसेज होगा डायरेक्ट आपके यहां पे क्या होगा, आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आपका व्हाट्सएप बिजनेस में सारा को जो भी फाइल वहाँ पे आप बैकअप किए हैं सारा फाइल आपका व्हाट्सएप बिजनेस में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डाउनलोडिंग हो रहा है। आपका जितना भी फाइल लंबा होगा उतना समय लगेगा। तो यहाँ पे मेरा KB में है, अगर आपका MB में है, GB में है तो उतना समय लगेगा। यहाँ पे देखेंगे रीस्टोरिंग मैसेज 100% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा कंप्लीट करने बाद। उसके बाद क्या करना, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे लगभग मेरा 287 मैसेज रिकवर हो चुका है, जो कि मेरा मैसेज भी इतना नहीं था, यहाँ पे इतना ही मैसेज था। यहाँ पे सारा मैसेज यहाँ पे रिकवर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ओके। बस क्या करना आपको, फिर से यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके में क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बिजनेस नेम, यानी आप अपना जो व्हाट्सअप बिजनेस यहाँ पे क्या नाम से रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो भी अपना नेम से रखना चाहते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नेम यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नेम को फिलअप करने बाद यहाँ पे आपको नीचे देखने मिलेगा कैटेगरी। यहाँ पे क्या करना, सिंपली आपको इस कैटेगरी में क्लिक करना। क्लिक करने बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने मिलेगा, जो भी कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ क्या करेंगे अपना चूज करना। तो चलिए मैं यहाँ पे एजुकेशन चूज कर लेता हूँ सिंपली। उसके बाद क्या करना आपको, सिंपली नीचे देखने मिलेगा नेक्स्ट। बस क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने बाद यहाँ पे इंस्टॉलिंग होगा, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है, लोडिंग लेगा। यहाँ पे आपका जितना भी डेटा बड़ा होगा उतना ही समय लगेगा। तो यहाँ पे मेरा डेटा छोटा है तो यहाँ पे थोड़ा ही समय लगेगा। यहाँ पे आपको आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा गेट स्टार्टेड। बस क्या करना, सिंपली आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करना। गेट स्टार्टेड में क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने मिलेगा। क्रिएट ए कैटलॉग, अगर आप कैटलॉग लगाना चाहते हैं कैटलॉग लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आएंगे गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे जो कि मेरा सारा मैसेज आप नॉर्मल व्हाट्सएप में देखे होंगे, सारा मैसेज यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट्सएप बिजनेस ऊपर में लिखा हुआ, सारा मैसेज मेरा यहाँ पे जो नॉर्मल व्हाट्सएप में था सारा मैसेज यहाँ पे आप देखेंगे मेरा यहाँ पे क्या हुआ, क्या ट्रांसफर होकर मेरा बिजनेस व्हाट्सएप में आ चुका है। आप देखेंगे जो कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप में देखे होंगे आप मिला सकते हैं गाइस। अगर वीडियो को आप स्किप करके पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे यही मैसेज मेरा नॉर्मल व्हाट्सएप में था, लेकिन अब जो है यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस में मेरे यहाँ पे आ गया, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से अगर ऑप्शन आता है रिस्टोरिंग मीडिया, तो आपके इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे रिज्यूम करके अपना रिस्टोरिंग कर लेना है। यहाँ पे रिस्टोरिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ जो है यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा। ऊपर आप यहाँ जितना भी सारा मैसेज होगा रिस्टोर हो जाएगा, सारा मैसेज यहाँ पे नॉर्मल व्हाट्सएप से आपका व्हाट्सएप बिजनेस में इस तरह से आप ला सकते हैं। दोस्तों आप बड़ी आसानी से अपने नॉर्मल व्हाट्सएप को व्हाट्सएप बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी डेटा हो, पर डॉक्यूमेंट फाइल इमेज वगैरह सारा कुछ ऑडियो सारा आपके यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ क्वेरीज तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।